हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ठीक से होंगे। और बहुत दिनों बाद मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ, सरप्राइज है आप लोगों के लिए, कुछ नया है। आप लोग जरूर देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए मेरे साथ और देखिए। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं और मास्क पहनना तो बहुत जरूरी है। आगे चलिए और देखिए, बहुत पसंद आएगा आई होप आप लोगों को। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। और यहाँ आने के लिए फ्री ऑफ चार्ज है, पैसा नहीं लगता है, कोई भी आ सकता है। टूरिस्ट लोग भी आते हैं, जिसको ग्रीन पसंद है, बहुत फ्रेश है, सब चीज़ है, तो पिकनिक में के लिए भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है यहाँ का टैक्स सिस्टम, क्यों यहाँ है आप लोगों को नजदीक से मैं दिखाती हूँ। अभी तो टूरिस्ट लोग नहीं आ रहे हैं, ज्यादा भीड़ नहीं है। और ये है, अगर किसी को कुछ ड्रिंक लेना है और ये बैठने के लिए। तो इधर देखिए, ये है विजिटर सर्विस, अगर किसी को कुछ जानकारी लेना है, कुछ जानना है तो यहाँ जो बैठा रहता वो बताएगा कहाँ कैसे क्या करना है। और खाने का भी अब ओपन हो गया है, 2 पर्सन एक टेबल पर बैठ के खा सकते हैं। Okay. There's a beautiful Como adventure group where they can play. Thank you. तो देखिए आप लोग, इधर है ब्लू मार्बल, जिसको हम लोग हिंदी में रुद्राक्ष बोलते हैं। ये ट्री है यहाँ, लेकिन अभी बहुत ऊपर है। मैं ट्राई करती हूँ घूम करके दिखाने का। और अब यहाँ रुद्राक्ष का ट्री देखिए, लोग देखिए ब्लू वाला फ्रूट उधर दिखाई दे रहा है, बट हम लोग ले नहीं सकते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, कह रहा है पिक नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ ब्लू कलर आप लोग देखिए, और रुद्राक्ष का ट्री तो मैं देख ली, बट हम लोग उसको टच भी नहीं कर सकते हैं, ना कुछ उठा सकते हैं, फाइन लगेगा। अगर किसी को देखने आना है तो जरूर आना चाहिए। पहले तो लोग आए हैं वो ठीक कर सकते थे, और लेकिन अब तो बहुत वही गार्ड खड़ा है, कह रहा फाइन लगेगा। मैं तो जो रखी थी वो भी छोड़ दी, हाथ में पकड़ी थी, कौन फाइन देगा छोटे से फ्रूट के लिए। वैसे भी ये जगह बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और पिकनिक के लिए तो बेस्ट है। आप देखिए आप लोग, ये क्या फ्रूट है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो इंडिया में जैसे बेर होता है या यू नो, इसी तरह लग रहा है, मैं पहली बार देख रही हूँ। अगर कोई जानता होगा प्लीज़ बताइएगा आप लोग। और देखिए नीचे कितना गिरा है, यहाँ कोई नीचे से उठा के कुछ लेता भी नहीं है। पता नहीं क्या फ्रूट है। फ्लावर्स कुछ भी है, कोई तोड़ नहीं सकता है फाइन के डर से, सिर्फ देख सकते हैं। ये तो सुपारी जो होता है, जो खाने वाला पान के साथ, इसका ट्री है। नीचे का भी कोई खा नहीं सकता, रुद्राक्ष के लिए तो वो देखने के लिए सिर्फ तेरा वीडियो बना सकते हैं बस। तो देखिए आप लोग, सब लोग पिकनिक के लिए बैठे हैं, अपना मैट बिछा के। अगर किसी को आना है तो आ सकता है, बहुत
भीड़ से बिल्कुल अलग है, अपना सामान लेके सब, और रेस्टोरेंट भी है, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं सब अपना लेके आए हैं, जो भी खाना पीना है ना पानी। इतना ठंडा ठंडा हवा है कि एसी एयरकॉन का भी उतना अच्छा नहीं है, और जैसे इंडिया के बगीचे में बैठे हो ऐसा फीलिंग आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, ओके, तो देखिए मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, ये है गुफा के, और मैं इसके अंदर जा रही हूँ। पानी भी है, देखिए, ओह माय गॉड, यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अंदर से पानी आ रहा है। देखिए चिकन, चिकन बहुत घूम रहे हैं यहाँ। ये पैकेज है सीढ़ी, अब यहाँ से और ऊपर जाना है। मेरे बच्चे तो चिकन से भी डर रहे हैं, सब भाग रहे हैं, लग रहा है उनको काट लेगा। मास्क लगा के बोलने में कितना मुश्किल हो रहा है, वीडियो बनाना इतना इजी नहीं होता है, आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। बेटा बता के जा रहा है, मुझे तो लग रहा है जैसे बेल होता है इंडिया में, उससे भी और बड़ा है, और है तो लॉलीपॉप की तरह ही। इधर देखिए मंकी पोट्री, वो मुझे कुछ और बता के गया है, ये फ्रूट ऐसा होता है, मंकी के लिए है ये। देखिए आप लोग क्या है, क्या है ये, मैं भी डर रही हूँ कहीं ऊपर कूद गया तब क्या करूँगी, मेरे बच्चे तो पहले भाग गए। ये क्या है, कोई बताएगा मुझे, आओ सोच के बाबू क्या है ये। मॉनिटर लिसन, ओके, नॉट फॉर बीइंग डेफनिंग, ओके। Thank you.
रही हूँ, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।